हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। दोस्तों आज मैं चर्चा करना चाहूँगा हिजड़ेपन पे, किन्या जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर। दोस्तों ये इशू भी बहुत ही सेंसिटिव है। ये इशू सेंसिटिव इसलिए है अभी भी काफ़ी लोग हमारे सोसाइटी में इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों, क्या गलती है इन केस में कि ये किन्नर है या हिजड़े हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न। इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, खाली और खाली साइंटिफिक रीज़न है। काफ़ी गलत भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, मैं सबसे पहले इसको दूर करना चाहूँगा। हिजड़ापन एक साइंटिफिक रीज़न ही है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स, फीमेल में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मेल के स्पर्म में और फीमेल के एग में। जब फिजिकल रिलेशनशिप होता है मेल और फीमेल में, तो क्रोमोसोम्स अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो फीमेल का जन्म होता है। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो मेल का जन्म होता है। हाउएवर जब इसमें गड़बड़ी आती है, जब क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी आती है, तो ट्रांसजेंडर पैदा होता है, थर्ड जेंडर पैदा होता है, जिन्हें हम बोलते हैं हिजड़ा या किन्नर। अब बताइए इनकी क्या गलती है? ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक रीज़न है, और इसकी कोई भी रीजनिंग नहीं पता लगा पाया है कि ये क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी क्यों होती है। कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन कैन बी एनीथिंग। तो ये बहुत अलग अलग भ्रांतियां बनाई गई हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये तो रहा दोस्तों साइंटिफिक रीजन कि वो हिजड़े क्यों है। अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी की, भगवान ने हमको बनाया तो इनको भी तो बनाया है, हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन इज सेम, तो इतना डिफरेंस क्यों? हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन सेम है तो जो हमें हक मिलते हैं इन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसे हम फ्रीली स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों सबसे खराब बात है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, इनके फैमिली मेम्बर से कभी कभी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या गलतियाँ हैं इनकी अगर ये हिजड़े हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे परिवार में कोई हिजड़ा पैदा होता है या मेरी संतान हिजड़ा होती है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा उसको, उसको पूरे हक दूंगा स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के, ऑफिस जाने के, लाइफ को एंजॉय करने के। दोस्तों यही नहीं, हमारी सरकार भी अब बहुत ही कदम उठा रही है। हमारी सरकार नई नई पॉलिसीज लाई है जिससे कि हम इक्वालिटी रखें ट्रांसजेंडर के प्रति। अब तो दोस्तों काफ़ी हिजड़ों को सरकारी नौकरी मिल गई है। आजकल तो हिजड़े काफ़ी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी भी सोसाइटी में इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करा है। अब दोस्तों एक बात आती है कि ये नाच गाना क्यों करते हैं, ये पैसे क्यों मांगते, क्यों ना करें? दोस्तों हम लोगों ने इतनी डिफरेंसेस रखी हुई है, हमने इनको हक नहीं दिया स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, ऑफिस में काम करने का, तो इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? ये क्या करें? दिस इज द ओनली वे। और यही नहीं दोस्तों, ये तो आपको बधाई देने आते हैं, आपको कंग्रेचुलेट करने आते हैं, कुछ भी अच्छा इवेंट होता है आपके घर में तो आपको ब्लेसिंग देने आते हैं और आपसे कुछ पैसे मांगते, तो क्या गलत है इसमें? एंड दोस्तों आई एम श्योर जब इनको पूरा हक मिलना शुरू हो जाएगा, जब ये भी फ्रीली स्कूल जा सकेंगे, कॉलेज जा सकेंगे, अच्छी जॉब कर सकेंगे, आई एम श्योर ये कभी भी आपके घर पैसे मांगने नहीं आएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ जिन्हें मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो हो गया है। इनका पूरा हक बनता है लाइफ को एंजॉय करने का, जैसे हम जीते हैं ये क्यों ना जिए, ये कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ सोसाइटी में क्यों ना चले। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मैसेज मिल गया होगा, और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, अगर आप किसी हिजड़े से मिलते हैं तो उन्हें पूरा आदर दें, उनको एक्सेप्ट करें। दोस्तों अब अगली मुलाकात आप लोगों के साथ होगी मॉर्निंग में मोटिवेशन स्टोरी के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें,
टेक केयर, हरे कृष्णा।